लो दोस्तों, निकल चुके हैं हम लोग डलहौजी से, सीधा जा रहे हैं जलंधर। और पहले तो बता दूं यार, ये हम लोग रास्ते में हाईवे में ही खड़े हैं और अभी जस्ट यहाँ से पठानकोट थोड़ा ही दूर रह गए। यहाँ से पठानकोट मुश्किल से 15-20 किलोमीटर रह गए। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे निकले थे डलहौजी से, यार इतनी ठंड होती है ना, तो इसलिए मॉर्निंग में शूट नहीं कर सके। जलंधर जा रहे हैं हम तीन, मैं जा रहा हूँ, लक्ष्य जा रहा है और पीछे कैमरे पे सतवीर। और अभी यार एक्चुअली हमारे वहाँ पे फ्रेंड की है पार्टी और उसने हम तीनों को इनवाइट किया है, तो तीनों जने जा रहे हैं और मॉर्निंग में निकल गए थे जैसे बताया 7 बजे। बाकी अभी देख सकते हो धूप निकल चुकी है। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ यार, बाकी देख रहे हो गाड़ी की यार हालत, बच्चे गाड़ी लगी होती है बाहर और ये रहा सतवीर और गाड़ी, इसी की गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग। और बाकी बच्चों ने देखो कलाकारी क्या की हुई यार, मॉर्निंग में तो यार इतनी ठंड होती है कि कुछ कपड़ा वड़ा मारने की तो हिम्मत होती नहीं हमारे वहाँ पे डलहौजी। आपको पता काफ़ी मॉर्निंग में ठंड होती है, सुबह 7 बजे निकले थे, देख रहे हो सारे शीशे भरे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ ना, लोग भी देख रहे हैं भाई ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, देखो शीशे में पूरी फुल कलाकारी हो रखी है, बच्चों ने कर रखी है, तो आगे कहीं इसको पानी भी मरवा दें। और जिसके जा रहे हैं भाई वो बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, अनुष्का शर्मा जैसे आप जानते हैं विराट कोहली की जो वाइफ है उसका बॉडीगार्ड है, तो उसके घर जा रहे हैं और उसके साथ आपको मिलाएंगे, उसके भी दर्शन करवाएंगे। दोस्तों पठानकोट लगभग पहुंच ही गए हैं, देख रहे हो हाईवे में ये अपना प्लेन आ भी है, हम लोग पहाड़ों से निकल आए हैं और प्लेन एरिया में पहुंच गए हैं। बस यहाँ से पठानकोट कोई 5-7 किलोमीटर है और उसके बाद हम लोग सीधा पकड़ लेंगे फिर जलंधर हाईवे। हमारे लक्ष्य जी गाड़ी चला रहे हैं, फुल फास्ट एंड फ्यूरियस वाले हमारे ड्राइवर हैं भाई। ये जितनी स्पीड आपको अभी यहाँ दिख रही है ना, 100 से टॉप ही चल रहा है अभी, अंधेरा नहीं दिख रही, लेकिन इतनी इसने पहाड़ों में भी ये गाड़ी यही स्पीड से रखी होती है, इसलिए फास्ट एंड फ्यूरियस हमारा ड्राइवर है। लो यार दोस्तों गाड़ी हो चुकी है पूरी तैयार, नहा धो के फ्रेश होगी अब चलने के लिए तैयार है। यार गाड़ी मेरे दोस्त की नहीं है लेकिन यहाँ पे, ओ हेलो, पहले ये बता यार गाड़ी ये पीछे वाली लाइट कहाँ ठोकी थी, सस्ते बता, पार्किंग में लगाई होती गाड़ी और रुक गया कोई। लो दोस्तों 10:16 हो चुके हैं और हम लोग गाड़ी वाड़ी धुला के चमका के गाड़ी को चल पड़े हैं और हमारे लक्ष्य जी चल रहे हैं और काफ़ी अभी थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ते हुए। तो लक्ष्य कहाँ पहुँच गए हम लोग भाई? अभी कहीं नहीं पहुँचे, अभी जस्ट पठानकोट से निकले हैं दोस्तों अभी हम लोग और हमारा टाइमिंग क्या था जलंधर कपूरथला पहुँचने का? 10 बजे की थी और दोस्तों अभी 10:17 हो गए और अभी जस्ट हम लोग कोई कम से कम 100+ किलोमीटर कवर करना है, 100+ किलोमीटर कवर करना है और हम लोग ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं क्योंकि 10 बजे फंक्शन स्टार्ट होना था। दोस्त भी बोलेगा भाई तुम भी ना, मतलब सही है यार, गालियां निकाल रहा होना भाई, 1 महीने से बोला और उसने बोला टाइम से आना भाई, टाइम से आना, बम्बू लेके चलो। ओ भाई दोस्तों यार ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ जलवाई, देखो इसमें पता क्या चक्कर है, ये तो आराम से बैठे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है देख रहे हो बाइक पे, लेकिन इनकी वजह से कभी कभी यार दूसरे बंदों को दिक्कत हो जाती है। ऐसा ना हो कि वो भाई जाते ही दोस्त बोले कि भाई आ जाओ टेंट का सामान वापस करना, प्लेटे वलेटे धोनी है दोस्तों ये बहुत ही शिव मंदिर है, काफी फेमस शिव मंदिर ये जलंधर बाईपास पे, जलंधर पे, जलंधर रोड पे, मतलब पठानकोट से निकलोगे तो। तो अभी निकलते हैं धीरे धीरे, अब निकलते हैं धीरे तो क्या, तेज ही निकलना पड़ेगा। पूछो मत यार इतनी मतलब पार्टियां चल रही है ना, हम लोग कम से कम 1 हफ्ते से पैक ही चल रहे हैं तीनों, क्योंकि अभी 2-3 मैरिज थी जो हमने अटेंड की। 28 तारीख को हम लोग इसकी वरना लेके गए थे अमृतसर में, अमृतसर में शादी थी, तीनों इनवाइटेड थे, वहां गए थे 28 तारीख को। 1 तारीख को हम लोग चंबा झुमार वहां पे दोस्त की मैरिज थी, वहां पे बारात पे गए थे 1 तारीख को, वहां मेरी I20 लेके गए थे और आज जा रहे हैं हम लोग जलंधर कपूरथला। तो ये पीछे कैमरामैन हमारा सतवीर आज इसकी गाड़ी लेके जा रहे हैं, मतलब टूर पे ही चल रहे हैं हम लोग। और भाई ये लास्ट ही है ना, ये लास्ट है भाई, ये लास्ट तो सर के चाचा के घर पे होगा दोस्तों फाइनली यार टाइम हो चुका है 12:30, 10 बजे का था फंक्शन। और पहले तो यार लोकेशन देख लो,
पूरे हरे भरे खेत यार, पंजाब की जो रौनक होती है ना, पंजाब का जो गर्व है, देख रहे हो कितना बढ़िया यार, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और फाइनली अभी हम पहुंच गए और हमारा दोस्त हमें लेने के लिए आ गया था यार। ऐसे ऐसे गांव थे, हमने बोला भाई तू मेन सड़क में आ जा, तो ये आगे देख रहे हो ये हमारा दोस्त ही जा रहा है और ये लेने आ गया था। अब इसके साथ साथ हम जा रहे हैं, तो पहुंचने ही वाले हैं लगभग, इसका गांव थोड़ा ही है और 12:30 हो चुके हैं। हाँ भाई, ये ठीक ठाक हो? बढ़िया बढ़िया, अब तो सबको भूख भी लग गई है। बाकी देखो यार खेत देखो, है ना जबरदस्त। दोस्तों यार फाइनली पहुंच गए घर में, ये रहे हमारे लखा भाई जिनके घर पे प्रोग्राम है। और अभी फाइनली अभी अंदर आए हैं, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लखा भाई, यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये पकोड़े मिठाई वगैरह है। उसके बाद अपना नीचे डीजे भी लगा हुआ है, सारा इंतजाम है, नाचने का भी नीचे, खाना वगैरह सारा प्रॉपर लगा हुआ है। और अभी लखा भाई कह रहे हैं अब जाने तो दूंगा नहीं जल्दी, तो थोड़ा फिलहाल अभी आके रिलैक्स कर रहे हैं, स्नैक्स खाते हैं, उसके बाद आपको मैं बाहर दिखाता हूँ। फुल गांव वाला सिस्टम है, खेत वगैरह सारा कुछ ए टू जेड। दोस्तों अभी स्नैक्स वगैरह खा के आ गए हैं छत पे, और छत से थोड़ा सा गांव का व्यू देख रहे थे। और जो हमारा दोस्त है उसने पूरे गांव को इनवाइट किया हुआ है, और काफ़ी रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, तो वो तो बिजी चल रहे हैं नीचे, सब कुछ डीजे वगैरह सब प्रोग्राम चल रहे हैं। हम लोग आगे छत में, पीछे देख रहे हो पूरा गाँव, अभी आपको दिखाता हूँ सामने खेत वगैरह, गायें वगैरह सारी आगे, गायें भैंस वगैरह सब है। और थोड़ा सा आपको 360 व्यू छत से देता हूँ, और बाद में नीचे भी चलेंगे। बाकी मौसम देख ही रहे हो, हल्की सी धूप लगी हुई है, तो काफ़ी इंजॉय चल रहा है। बाकी देख सकते हो छत में, और ये देख रहे हो पूरा यहाँ पे आपको गायें भैंसे वगैरह सामने। और ये जैसे मैंने कहा था गांव का अगर नज़ारा होगा तो दिखाऊंगा, और ये देख रहे हो पूरा गांव का नज़ारा है, पूरे हरे खेत, सरसों लगी हुई है बढ़िया, देख रहे हो पूरा हरा भरा। और ये नीचे टेंट वगैरह सब लगे हैं, ये टेंट वगैरह सब लगे हैं वहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे बन रहे हैं, तंदूरी रोटी वगैरह चल रही है, नीचे खाना वगैरह शुरू है। तो गांव के लोग, सारे गांव को इनवाइट किया है, तो गांव के लोग भी आके खाना खा रहे हैं। बाकी ये देख रहे हो पूरा गांव का एक बारी व्यू देख लो, ये है गांव, और भी आस पड़ोस काफ़ी घर हैं। बाकी नज़ारा बढ़िया है, छत से काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी इन दोनों की चल रही है खूब मस्ती, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं दोनों। बाकी यहाँ से नज़ारा देख लो थोड़ा सा, यहाँ से देख रहे हो पंजाब का गांव थोड़ा सा। बाकी यार वाह यार, वहाँ देखो ट्रैक्टर वगैरह लगे हैं, देख रहे हो ट्रैक्टर वगैरह लगे हैं यार, मस्त बढ़िया। और ये देख रहे हो यार पंजाब में ये बड़ा सीन है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सामने देख रहे हो बाज है, और ये पानी की टंकी है, तो ऐसा काफ़ी लोग करवाते हैं, काफ़ी शौक होता है लोगों को ये सब पंजाब में। दोस्तों यार पार्टी वार्टी हमारी तो हो गई है, बाकी पूरे गांव की तो चलती रहेगी शाम तक। और ये सामने देख रहे हो आप आशियाना लगाया हुआ है, और यहीं पे लंच वगैरह डीजे पार्टी सब चल रही है, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। और बाकी ये अपने लखा भाई, इन्हीं के घर में थी पार्टी। दोस्तों यार लंच वगैरह कर लिया है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा मैं जहाँ पे फ्रेंड का घर है उसके बाहर ही आया था, यहाँ पे देख रहे हो और हरे भरे खेत देखो यार, कसम से इतने बढ़िया है ना। अभी यहीं पे थोड़ी सी फोटोग्राफी भी करेंगे, बाकी पीछे देख सकते हो पूरा गांव, यहीं पीछे दोस्त का घर है, यहीं पार्टी वार्टी सब चल रही है अभी। और बस अभी थोड़ी देर में 3 बज चुके हैं, और आधे घंटे के बाद हम भी निकल जाएंगे। और बाकी यहाँ पे देख लो खेत वगैरह है ना, बढ़िया नज़ारा, बहुत अच्छा गांव है यार इसका। बाकी दोस्तों यार आपको मैंने बताया नहीं था कि फंक्शन किस चीज़ का, एक्चुअली यही जो मेरा फ्रेंड है ना इसके हुआ था लड़का, और लड़के होने की खुशी में इसने रखी थी पार्टी, और वही पार्टी में यार इसने इनवाइट करा था। और पहले ये डलौजी रहता था, और लेकिन अभी ये पंजाब में आके सेटल हो चुका है, क्योंकि पंजाब का ही रहने वाला था, और तब हमें इसे इन्वाइट किया था। और इसलिए अब यारी दोस्ती यार, एक साथ हम लोग जिम लगाते थे, तो अब आना तो पड़ेगा ही ना यार, दोस्त के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। दोस्तों यार वापसी निकलने की तैयारी हो गई है, और अभी निकलते हैं बस वापस, दोस्त को फिर बाय बाय टाटा बाय बाय कर लेते हैं। ठीक है लखा भाई, फिर ओके ओके भाई, ओके चलिए फिर। चलो भाई दोस्त के साथ यार, इतने दिनों के बाद मिले, मज़ा आ गया, वो पुराना टाइम सारा याद आ गया। लखा भाई फिर वो पुराने दिन जिम वाले फिर आंदे चेता कि नहीं? बिल्कुल आज हिमाचल जा रहा है भाई, कह रहे आज मेरे को ऐसा लग रहा है मैं हिमाचल में आ गया, पुराने अपने जिम के सारे दोस्त आज इकट्ठे हुए ना, पूरा मजा आ गया। खाना भी लगता है। चलो दोस्तों फिर निकलते हैं, भाई भी यार बहुत बिजी है, पूरा गांव बुलाया हुआ है, तो बस अपना हो गया यार, काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। थोड़ा सा यार मैंने वीडियो भी कम शूट किया, क्योंकि यार इतने दिन के बाद मिले थे, तो यार दोस्त थोड़ा अपना चल रहा था, अपने पुराने किस्से अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, तो बस अभी निकलते हैं। मेरे वास्ते मंगा रहे थे, मंगा लेंगे। ओके ओके ठीक है लखा भाई, ओके फिर ओके भाई।
जान दे गड्डी फिर। ठीक है भाई, ओके। वाह यार, बुलेट जाता है तो मजा ही आ जाता है आवाज सुन के। तो दोस्तों देख रहे हो अभी दोस्त के घर से काफी 10-15 किलोमीटर हम लोग बाहर आ चुके हैं और अब सीधा यहाँ से पठानकोट और पठानकोट से घर निकल जाएंगे। और टाइम हो चुका है 4 बज के, थोड़ी देर के बाद अंधेरा भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा यार वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। काफी दिन से यार वीडियो नहीं आ रही थी, इसीलिए दोस्त के यहाँ पे आए थे। मैंने सोचा चलो यार छोटा सा शूट कर लेते हैं, आपको थोड़े खेत वगैरह ही बता देते हैं, इसे वीडियो भी डल जाएगी। और तो दोस्तों यहीं पे करते हैं वीडियो एंड। तो होप करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी सी तो पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो एक लाइक यार जरूर करना। और ऐसी किसी दूसरी तगड़ी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।